नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के विषय में। ब्रोंकाइटिस वो दिक्कत है जो एक उम्र में तो नहीं लेकिन एक उम्र के बाद आपको परेशान कर देती है, उन स्थितियों में जो आपने थोड़ी अपनी कम उम्र में करी हो। और उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं इशारा कर रहा हूँ स्मोकिंग की तरफ। हालांकि स्मोकिंग सिर्फ ब्रोंकाइटिस का कारण नहीं है, लेकिन क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, इसलिए मैं इसको अपनी बात के शुरू में आउटलाइन कर देना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई स्मोक कर रहा है और ब्रोंकाइटिस के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का आपका लाभ नहीं है जब तक आप स्मोकिंग बंद नहीं कर देते। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वास्तव में आप अपना समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि धूम्रपान नहीं छोड़ेंगे तो आपका ब्रोंकाइटिस नहीं सही होगा। आज हम आपको बताएंगे ब्रोंकाइटिस के विषय में, बताएंगे उसको ठीक करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं ब्रोंकाइटिस होता क्या है। ब्रोंकाइटिस आपके ब्रोंकस का इन्फ्लेमेशन होता है। ब्रोंकस शरीर का वो पार्ट होता है जो आपके एयर जो आप ब्रीथ करते हैं उसको ट्रैकिया से होता हुआ वहाँ लंग्स में ले जाता है और फेफड़ों में ले जाता है और फेफड़ों से बाहर वापस करता है, यानी टू वे सिस्टम करता है, एयर को अंदर ले जाना और एयर को बाहर ले जाना। तो ब्रोंकस लंग्स का वो लंग्स के पास वो पार्ट होता है जो आपके एयरवे सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जब इसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस दो प्रकार की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट ब्रोंकाइटिस हम सबको हुआ करती है, कभी नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, कोई फॉरेन टिश्यू अंदर आ गया तो हमारा ब्रोंकस स्वेल होके म्यूकस सिक्रीट करके उसको रोकने का प्रयास करा। लेकिन जब यह क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती जो कि COPD का एक हिस्सा है, तो वहाँ एक तकलीफ का विषय हो जाता है। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कब होती है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तब होती है जब आपको 3 महीने तक बलगम आता रहे और यह एपिसोड्स आपको 2 साल तक होते रहे, तो उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, वरना वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है। आपकी थोड़ी सावधानी से वह ठीक हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के विषय में, ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स के विषय में। ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स साथियों, ज़्यादा गहरी सांस ना आना, बलगम बहुत ज़्यादा आना, सांस का फूलना, एक तनाव रहना, एक घुटन रहना का एहसास होना, यह सब ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। बात कर लेते हैं ब्रोंकाइटिस के कॉजेज यानी कारणों के विषय में। ब्रोंकाइटिस आपको वायरस से होती है, वायरल इन्फेक्शन से ब्रोंकाइटिस होती है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक्स कारगर नहीं होते हैं। और यहाँ पे होम्योपैथी का रोल आ जाता है कि होम्योपैथी से आप ब्रोंकाइटिस को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस का सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग होता है, जो हमने वीडियो के शुरू में कहा। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप अभी छोड़ दें, तब प्रण ले लें अभी छोड़ने का, तब ये वीडियो आप आगे देखें तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हो गई। बहरहाल वायरस का इन्फेक्शन ही ब्रोंकाइटिस का कॉज होता है। आज हम आपको अब बताएंगे ब्रोंकाइटिस को ठीक करने की कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। उससे पहले ये बता दें साथियों, यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी दवा आप बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि जिन दवाओं का फ़ायदा है उनका नुकसान भी हो सकता है। चलते हैं, आपको बताते हैं ब्रोंकाइटिस को ठीक करने की कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। साथियों, होम्योपैथी में ब्रोंकाइटिस को ठीक करने की नंबर एक दवा है नेफ्थलाइन। नेफ्थलाइन 30 दो बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको ब्रोंकाइटिस की शिकायत है और आपकी सांस बहुत छोटी हो गई है, मतलब आप पूरी तरह से इनहेल नहीं कर पा रहे, आपको शॉर्ट ब्रेथ है, तो नेफ्थलाइन उस स्थिति और आपकी सांस फूल रही है, अगर यह कंडीशन आपको अपने में दिखती है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा नेफ्थलाइन है। आप इसकी 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका ब्रोंकाइटिस भी ठीक हो गया और आपका एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस भी सही हो गया अगर आपको है। इसमें रेल्स आती है, आवाज़ आती है आपके लंग से, जो कि एक डॉक्टर आपको चेक करके बता सकता है, और आप नेफ्थलाइन को लेकर लाभ पा सकते हैं। दूसरी दवा साथियों जो इस श्रृंखला की है आपको ठीक करने की, वह है ग्रिंडेलिया।
ग्रिंडेलिया 30 एक बहुत अच्छी दवा है जो आपकी न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे काम करती है। यह पहले आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ा देती है, आपके पल्स को थोड़ा कम कर देती है और उसके बाद आपके पल्स को हल्का सा बढ़ा के बीपी को कम कर देती है। इस प्रक्रिया में ये आपके सांस फूलने को कम कर देती है, आपके डिस्निया को कम कर देती है, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को कम कर देती है, आपकी ब्रेथ ज़्यादा गहरी आने लगती है और आपका ब्रोंकाइटिस सही होने लगता है। तो यदि आपको सांस फूल रही हो तो उस कंडीशन में आपके ब्रोंकाइटिस को ठीक करने की ड्रग ऑफ द चॉइस ग्रिंडेलिया है। इन दोनों दवा नेपथलीन और ग्रिंडेलिया, ये जो दो दवाएं हैं इनमें इतना ज़्यादा सिमिलैरिटी है सिम्टम्स की कि अगर पेशेंट को ब्रोंकाइटिस का अटैक पड़ा है, बहुत तकलीफ उसको अचानक पड़ गई है, तो आप इन दोनों दवाओं को अल्टरनेट दे सकते हैं। एक एक करके ये दें, फिर एक बार ये दें, फिर ये दें, हर दो घंटे पे नेपथलीन और ग्रिंडेलिया को आप देकर ब्रोंकाइटिस को एक्यूट स्थिति को और क्रॉनिक स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके ब्रोंकाइटिस है और आपके चेस्ट में खरखराहट आ रही है, सीटी ऐसी आवाज़ आ रही है, तो अगर यह कंडीशन आपके हो कि आपके चेस्ट में जब आपका डॉक्टर आपके चेस्ट को एग्जामिन करता हो तो स्थितों से वो कहे आपके तो वीजिंग है, तो अगर आपके वीजिंग की स्थिति है तो इस स्थिति को और ब्रोंकाइटिस को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा आर्सेनिक एल्बम है। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर की दो दो बूंद दिन में 3 बार स्थिति में ले लें। जब आपके चेस्ट में वीजिंग हो, आपको सांस बहुत फूलती हो यानी आपके डिस्निया हो, आपकी तकलीफें रात में 12 बजे के टाइम पे बढ़ जाती हो, आपका गला बहुत सूखता हो, उस स्थिति में ब्रोंकाइटिस से निपटने के लिए आर्सेनिक एल्बम से अच्छी दवा नहीं हो सकती। यह दवा आपको निश्चित रूप से लाभ देकर आपके ब्रोंकाइटिस को ठीक करने में बहुत मदद करेगी। फिर एक कंडीशन आती है साथियों ब्रोंकाइटिस में कि बलगम ही नहीं आ रहा, ब्रोंकाइटिस है लेकिन बलगम नहीं आ रहा, तो अगर यह कंडीशन आपके हो कि आपको ब्रोंकाइटिस हो लेकिन बलगम ना आ रहा हो तो उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है अमोनियम कार। आप अमोनियम कार 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका ब्रोंकाइटिस भी ठीक हो गया और आपके जो बलगम ना आने की स्थिति है या कभी कभी बलगम हल्का सा बहुत जोर लगाने पर आ रहा है ब्लड के साथ, वह स्थिति भी आपकी ठीक हो गई। एक स्थिति आती है कि आपके सूखी खांसी आ रही हो और आपके ब्रोंकाइटिस हो, कोई बलगम नहीं आ रहा लेकिन सूखी खांसी बहुत आ रही है, अगर यह स्थिति आपके है तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्पॉन्जिया टोस्टा। आप स्पॉन्जिया टोस्टा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपकी खांसी आना भी बंद हो गई जो कि बहुत वक्त से आपको आ रही है और आपका ब्रोंकाइटिस भी ठीक हो गया, साथ में आपके सीने में जो एक रूखापन है सोनेस है वह भी पूरी तरह चली गई। फिर एक सिम्टम आता है साथियों ब्रोंकाइटिस में कि आपके सफ़ेद बलगम आ रहा है, बलगम आपके आ रहा है और बलगम सफ़ेद है, तो अगर यह स्थिति आप अपने में देखते हैं कि आपके बलगम आ रहा है और बलगम सफ़ेद है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है नेट्रम्यूर। आप नेट्रम्यूर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। जब आपके बलगम आ रहा हो जो कि सफ़ेद रंग का हो, थोड़ा सा नमकीन हो, थोड़ा सा सॉल्टी हो, तो नेट्रम्यूर आपका ड्रग ऑफ द चॉइस है, आप इसको लेके आप लाभ पा सकते हैं। नेट्रम्यूर के मरीज को नमक खाना बड़ा पसंद होता है, तो यह भी एक आपके ब्रोंकाइटिस का सिम्टम आपके लिए हो सकता है। फिर एक कंडीशन ब्रोंकाइटिस में आती है जब आपका बलगम बहुत चिपचिपा है, जहाँ बलगम गिर रहा है वहाँ चिपका जा रहा है और बड़ा चिकना है, मतलब फिसल जाए आदमी, ऐसा बलगम है, तो अगर वह चिपचिपा बलगम है और वह आपके निकल रहा है तो इस स्थिति को ठीक करने की ब्रोंकाइटिस में और ब्रोंकाइटिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है स्क्विला। आप स्क्विला 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका यह जो एक चिपचिपा टाइप बलगम है यह भी ख़त्म हो जाएगा और आपका ब्रोंकाइटिस भी ठीक हो जाएगा। फिर एक स्थिति आती है कि आपको खांसी बहुत आ रही है ब्रोंकाइटिस में और आपको बार बार उल्टी उकाई आई जा रही है, यह स्थिति अगर आप अपने में देखते हैं कि आपको उल्टी उकाई आ रही है बहुत ज़्यादा और आपको खांसी आ रही है और आपको ब्रोंकाइटिस है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है इपिका। आप इपिका 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपका ब्रोंकाइटिस भी सही हो गया और आपकी खांसी भी बंद
हो गई। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके इतना बलगम ब्रोंकाइटिस में आ गया कि खड़खड़ाहट की आवाज़ें आने लगी, खर खर अंदर से रैटलिंग नॉइस आने लगी। यदि यह स्थिति हो कि आपका बलगम पीला हो, वो एक रोप के फॉर्म में उसको खींचा जा सके, यानी कि रोपी फॉर्म में टिनेशियस हो, रोपी फॉर्म में खींचा जा सके और उसका कलर येलोइश हो और आपके सीने में खड़खड़ाहट आ रही हो, उस स्थिति में ब्रोंकाइटिस को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम 32 बूंद दिन में 3 बार लेके आप अपने उस बलगम को जो कि रैटलिंग नॉइस कर रहा है, पीले रंग का है और जिसको आप रोप में खींच सकते हैं, इस तरह के बलगम को भी खत्म कर सकते हैं और सब्सिक्वेंटली आप ब्रोंकाइटिस को भी खत्म कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों ब्रोंकाइटिस में आती है कि आपके बलगम बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बड़ा लूज है और बहुत ज़्यादा निकल रहा है और जब आप चादर ओढ़ के लेट गए तो आपको बड़ा आराम मिल गया। तो अगर उस स्थिति में हो कि आपको गर्म में रहने से आराम मिलता हो और सर्दी गर्मी से आपको तकलीफ़ होती हो और आपके लूज बलगम आ रहा हो, ढीला बलगम आ रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा हाइपरसल्फ है। आप हाइपरसल्फ 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो, यानी ठंडे गर्म से आपको बहुत तकलीफ़ होती हो, एसी से बाहर गए या छाँव से धूप में गए या ठंडे से गर्म में गए तो तुरंत आपकी तबीयत ख़राब हो जाती हो, आपको जकड़न जुकाम बलगम आ जाता हो, तो आप हाइपरसल्फ 32 बूंद दिन में 3 बार लेके ब्रोंकाइटिस की स्थिति में लाभ पा सकते हैं। फिर एक स्थिति आती कि ब्रोंकाइटिस बच्चों में हो गई, तो अगर बच्चों में ब्रोंकाइटिस है तो उसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एवीआर। आप एवीआर 200 पावर की एक खुराक वीकली दे दें, आप करिश्मा देखेंगे कि आप बच्चे का जो फ्रीक्वेंट ब्रोंकाइटिस है, बलगम आ रहा है, जकड़न है, सांस फूलना है, वह ख़त्म हो गया और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो एवीआर 200 पावर की एक खुराक वीकली देना आपके लिए ब्रोंकाइटिस ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। फिर एक स्थिति आती है जो कि ब्रोंकाइटिस का सबसे कॉमन सिम्टम की स्थिति होती है, कॉज की स्थिति होती है, वह स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग बहुत करते रहे हैं और अब आपको खांसी आती है, स्मोकर्स कप होता है और उसके आपको ब्रोंकाइटिस हो गया है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा नक्स वोमिका है। आप नक्स वोमिका 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका खांसी भी ठीक हो गई और आपका ब्रोंकाइटिस भी ठीक हो गया। एक कंडीशन आती है साथियों ब्रोंकाइटिस में, ये हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का जिक्र कर रहे हैं, कि आपके बदबूदार सांस बाहर आ रही है। सांस गहरी तो जा रही है लेकिन जब बाहर आ रही तो बदबूदार है। तो अगर आपके फीटेड आपके इन्हेलेशन और एक्सलेशन हो रहा है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कैप्सिकम है। आप कैप्सिकम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपके लंग्स बिल्कुल क्लियर हो गए, आपका इन्फ्लेमेशन कम हो गया, आपका ब्रोंकाइटिस सही हो गया और आपकी जो फीटेड स्मेल है वह भी खत्म हो गई। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपको ब्रोंकाइटिस है और आपके सीने में बहुत कसाव है, आपके सीने में आपको एक कसाव महसूस होता है और शाम को आपकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो अगर यह कंडीशन आप में होती है तो इस कंडीशन को होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है और दवा है फास्फोरस। आप फास्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। जब आपके पूरे शरीर में जलन आपको महसूस होती हो, आपको शाम को 4-5 बजे के टाइम पर खांसी ज़्यादा आती हो, आपका हेयर फॉल हो रहा हो और आपको ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो, ये सारे सिम्टम यदि आप में पाए जाए तो फास्फोरस आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। इस दवा के सेवन से आप लाभ पाके ब्रोंकाइटिस को अपने से दूर कर सकते हैं। फिर एक कंडीशन आती है जो आपका बलगम है वो बड़ा बदबूदार आ रहा है, बलगम अगर बहुत बदबूदार आ रहा है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में बैसिलिनम। आप बैसिलिनम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो बलगम है वहाँ आना कम हो गया और आपका जो उस पर बदबू है वो कम हो गई और आपका ब्रोंकाइटिस ठीक होने लगा। फिर एक स्थिति आती है कि आपको बुजुर्ग लोगों को हमारे ब्रोंकाइटिस की शिकायत, और ये शायद सबसे कॉमन स्थिति होती है, तो अगर बुजुर्ग लोगों को, एल्डरली लोगों को, पर्संस को ब्रोंकाइटिस की शिकायत है तो इसको होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा सेनेगा है। आप सेनेगा 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका ब्रोंकाइटिस सही हो गया और आप
आराम में आ गए। एक कंडीशन आती है कि आपके ब्रोंकाइटिस है और आपके बिल्कुल सीने के बीच में रूखापन आ गया, सोरनेस आ गई। अगर यह स्थिति आप में पाई जाए तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है मर्सोल। आप मर्सोल 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपके ब्रोंकाइटिस है, आपके सीने में रूखापन सूखापन है जो कि सीने के बिल्कुल बीच में आ रहा है, उस कंडीशन में आप ब्रोंकाइटिस के मर्सोल को लेके अपने को ठीक कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है ब्रोंकाइटिस में कि आपको पूरे सीने में दर्द है, तो यदि यह आपके कंडीशन हो कि आपको ब्रोंकाइटिस और आपके पूरे चेस्ट में पेन बना हुआ है, तो इस स्थिति को होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है काली कार्ब। आप काली कार्ब 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका या जो पूरे सीने में दर्द है या यह ख़त्म हो गया जो ब्रोंकाइटिस के कारण है, और ब्रोंकाइटिस भी आपका ठीक हो गया। ये साथियों कुछ दवाएं थी जो आपको ब्रोंकाइटिस को ठीक करने के लिए थी। ये हमारा एक प्रयास था आपको होम्योपैथी के करीब लाने का। कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से पूछे बिना ला लें, क्योंकि होम्योपैथी में हर व्यक्ति के हिसाब से सिम्टम भिन्न होते हैं और दवाएं भिन्न होती हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, हम आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करेंगे। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 94157386 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अगर साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता हो इससे समाज को लाभ हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा के सबसे पहले हमारा नए से नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आप हमारे साथ रहे, हमारा साथ दिया, हमारी बात सुनी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप आगे भी समाज में बढ़ाएंगे। उस प्रयास के लिए, उस साथ के लिए, उस विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।